Baju, 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 baju. वो अंकल क्या कर रहे? मुझे बहुत डर लग रहा है तोते से। मुझे भी। बाजो 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 बाजो। तुम्हें पता भी है तुम कहाँ खड़े थे? कितनी खतरनाक जगह है ये? ये जगह कब से खतरनाक हो गई? और अब ये बताओ कि आप खुले मैदान में इतने तेज क्यों भाग रहे थे? ओहो, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? इतनी तेज भागने की कोई तो वजह होगी। क्या आप किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे या बचकर भाग रहे थे? ना तो मुझे कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था और ना ही मैं किसी को पकड़ रहा था। तो फिर? मैं इंसान को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या? इंसान को ताकतवर बनाने की कोशिश? ताकत क्या होती है? क्या तुम्हें नहीं पता इंसान धरती पर सबसे कमजोर जानवर होता है? ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। आपके हिसाब से इंसान इतना कमजोर होता है तो वो मैमथ को कैसे पकड़ पाता है? बताओ। वो एक अलग कहानी है। देखो, इंसान मैमथ को पकड़ने में इसलिए कामयाब होता है क्योंकि वो चालाकी से काम करता है। ताकत की बात की जाए तो मैमथ इंसान से ज्यादा ताकतवर होता है। जैसे तैरने के मामले में मछली इंसान से ज्यादा तेज तैरती है। पंछी उड़ सकते हैं लेकिन इंसान उड़ नहीं सकता। इंसान शेर से तेज नहीं भाग सकता। लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई कुछ भी करे हमें क्या? बहुत फर्क पड़ता है, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। लेकिन अभी मेरे समझ में कुछ नहीं आया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आप तेज दौड़ेंगे तो आप ताकतवर बन जाएंगे? वही बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं शेर से ज्यादा तेज भागना चाहता हूँ। फिर मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो मैमथ से ज्यादा ताकतवर होगी, क्योंकि उसके बाद जो मेरा बच्चा होगा उसमें मैमथ से ज्यादा ताकत होगी और शेर से ज्यादा रफ्तार होगी। फिर वो एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जो मछली से ज्यादा तेज तैरती होगी और फिर उसका जो बच्चा होगा उसमें मैमथ से ज्यादा ताकत होगी, शेर से ज्यादा रफ्तार होगी और वो तैरने में भी मछली से तेज होगा और इस तरह आखिर में इंसान जानवर से ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। समझ गए ना कि मैं शेर से ज्यादा तेज क्यों दौड़ना चाहता हूँ? कमाल है, आप तो बहुत दूर तक की सोचते हो। लो कर लो बात। क्योंकि मैं इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ अक्ल के मामले में और शरीर की ताकत के मामले में, ताकि उससे कोई टक्कर ना ले सके। तभी हम बन पाएंगे हर किसी से नंबर वन। समझ गए ना कि इंसान का भविष्य तेज दौड़ने पर टिका हुआ है। वैसे सच कहूं तो मैं अभी कुछ समझ नहीं पाया। मैं भी नहीं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम समझोगे भी नहीं क्योंकि तुम एक मामूली आदमी के बेटे हो। चलता हूँ। रुको अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? इस वक्त तो मैं शेर को पकड़ने जा रहा हूँ। तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे क्या? मैं हर रोज शेर से झगड़ा मोल लेता हूँ ताकि मैं अपनी सेहत को फिट फाट रख सकूँ। लेकिन इसमें तो बहुत खतरा है। शेर बुरा मान गया तो? मैं ये पत्थर फेंक कर शेर को लड़ने के लिए उकसाता हूँ। ये देखो। होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। यहाँ जो आदमी शेर का शिकार करना चाहता था वो तुम्हारे अप्पा है। वो तो सच में बहुत तेज भागते हैं, मुझे ये सीखना पड़ेगा। वाह, क्या बात है। अप्पा ऐसी जगह क्यों सो रहे हैं? उन्हें क्या हो गया है? इसमें बहुत खतरा है। आजा आजा, सीधे चलते चले आजा। अब देखना मैं यहाँ क्या करता हूँ। मैं तुम्हारे अप्पा को बचाने के लिए उस शेर को अपनी तरफ बुलाऊंगा और फिर मैं उससे दो दो हाथ करूंगा। ओए शेर का पुत्र, इधर आ, इधर आ, ये ले। लगता है वो अपने लिए मुसीबत को खुद बुला रहे हैं। अब मैं नहीं बचूंगा। काश अप्पा शेर से तेज भागकर बच जाए। तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। अब मेरा काम बन जाएगा क्योंकि
मैं इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ अक्ल के मामले में और शरीर की ताकत के मामले में, ताकि उससे कोई टक्कर ना ले सके, तभी हम बन पाएंगे हर किसी से नंबर वन। पता नहीं वो क्या बोलते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी अभी पागल हुआ है। मैं शेर को पकड़ने ही वाला था। पता नहीं वो आदमी कहाँ से आ गया और मेरे किए धरे पर पानी फेर गया। तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। तुम फिर आ गए। मेरे साथ दौड़ने में मुकाबला करो। लेकिन जब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं तो तुमसे मुकाबला क्यों करूँगा? मानव जाति के भविष्य के खातिर। मानव जाति के भविष्य की खातिर ये है लाइन। चलो शुरू करो, भागो। मैं जीत गया। शेर से ज्यादा तेज दौड़ने वाले को मैंने हरा दिया। मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं, मैं हूँ नंबर वन। मेरा सपना पूरा हो गया, क्योंकि मैं इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता हूँ अक्ल के मामले में और शरीर की ताकत के मामले में, ताकि उससे कोई टक्कर ना ले सके, तभी हम बन पाएंगे हर किसी से नंबर वन। अब्बा, आप ठीक तो है ना? वो आदमी किस बारे में बात कर रहा था? पता नहीं, लेकिन अब वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया।